let's read this question. The question says, increasing order of acid strength among paramethoxyphenol, paramethylphenol and paraniphenol is? Option A, B, C. For this question is, acids. Now, what are the acids which gives H positive ions in the solution? तो जो solution में H positive ions देते हैं उनको हम बोलते हैं acids. हमने इनमें increasing order देखना है बिटवीन paramethoxyphenol, paramethylphenol and paranitrophenol. अगर हम सबसे पहले बात करते हैं paramethoxyphenol की, तो इसमें OH लगा है एंड पैरा पोजीशन पे मिथोक्सी ग्रुप लगा है. ये हमारा क्या है? paramethoxyphenol. तो जो हमारा ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये लोन पेयर रिंग को डोनेट करता है. सो अगर हम बात करें H पॉजिटिव को लूज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, O नेगेटिव और यहाँ पे OCH3 है. अगर लोन पेयर ऑक्सीजन डोनेट करेगा रिंग को, तो जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो इंटेंसिफाई होगा. सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OCH3 ग्रुप नेगेटिव चार्ज ऑन रिंग इंटेंसिफाइज. सो नेगेटिव चार्ज जो इंटेंसिफाई हो रहा है, देयरफॉर नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन does not get dispersed. तो negative charge है oxygen का, वो disperse नहीं होगा. तो अगर negative charge disperse नहीं होगा, hence ion will become unstable. तो ion है जो हमारा H positive को lose करने के बाद वो unstable होगा. अगर हमारा ion unstable होता है, That means, इसको H पॉजिटिव लूज करना क्या है, डिफिकल्ट है. H पॉजिटिव का लूज इसे क्या है, डिफिकल्ट है. सो इसकी वजह से ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा और वी कैन से दैट इट इज द लीस्ट एसिडिक. उसके बाद बात करते हैं पैरामिथाइल फिनोल. तो पैरामिथाइल फिनोल में अगर हम देखें तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे H पॉजिटिव लूज करने के बाद इसमें भी ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे CH3 है. अब जो अल्काइल ग्रुप होता है उसके पास प्लस आई इफेक्ट होता है. प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये भी रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स नहीं होगा. लेकिन जो OCH3 के कंपैरेटिव इसका इम्पैक्ट कम है, इसीलिए जो हमारा पैरा मिथाइल फिनोल है वो क्या है, ज्यादा एसिडिक है एस कंपेयर टू पैरा मिथोक्सीफिनोल. उसके बाद हमारे पास लास्ट जो बचा है कंपाउंड, दैट इज पैरा नाइट्रोफिनोल. तो पैरानाइट्रोफिनोल में H पॉजिटिव लूज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे O नेगेटिव एंड यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है. अगर हम बात करें नाइट्रो ग्रुप की, तो नाइट्रो ग्रुप के पास माइनस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा. अगर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, देन जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ऑन ऑक्सीजन विल गेट डिस्पर्स्ड. अगर हमारा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, दैट मीन्स हमारा आयन स्टेबल हो रहा है.
तो एच पॉजिटिव को लूज करने के बाद अगर आयन स्टेबल होता है तो इसका मतलब इसके पास सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है। तो सबसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे कम एसिडिक कौन हुआ? पैरामिथॉक्सीफिनोल। उसके बाद किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी? पैरा मिथाइल फिनोल की, जो मिथॉक्सी से ज्यादा एसिडिक है। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा हमारा? पैरा नाइट्रो फिनोल, क्योंकि इसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया हमारा? इसमें ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में पहले मिथॉक्सी है, फिर मिथाइल है, फिर नाइट्रो। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।